swayam prabha digital india educated india namaskar मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ा समझा और उसके बारे में जानकारी एकत्र की हम आज उसी कॉन्सेप्ट के बारे में और डिस्कशन अपना कंटिन्यू करेंगे उसके बारे में और जानने का प्रयास करेंगे और उसके हम क्या क्या एप्लीकेशंस कर सकते हैं या उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं साइकोलॉजी में और बाकी डिसिप्लिन में सोशल साइंसेज में और किस प्रकार उसका उपयोग हम अपने डेटा को समझने में डेटा से एक मीनिंग इन्फर करने में करते हैं आज का लेक्चर हमारा उसी के बारे में पूरा डिस्कशन कंटिन्यू करेगा लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अर्थ के बारे में जाना था और जाना था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व किस लिए हमारे लिए ज़रूरी है वो डिस्क्रिप्टिव्स के फंक्शंस में किस प्रकार और इन्फॉर्मेशन ऐड करती है और उस एडिड इन्फॉर्मेशन का हम लोग अपनी रिसर्च में अपने डेटा एनालिसिस में अपने डेटा प्रेजेंटेशन में और अपने डेटा को इन्फर करने में करते हैं इसके बारे में लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में जानकारी प्राप्त की आज हम लोग उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के और फंक्शंस के बारे में जानेंगे और उससे हम लोग अपने डेटा में किस किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं या किस किस तरह का इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं ये हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे तो अब हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के एप्लीकेशंस तो जब हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारा डेटा किस प्रकार से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें हमारे पास उसके बारे में स्क्यूनेस मिलती है कर्टोसिस मिलती है स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम लोग अपने डेटा पॉइंट का अपने मीन के साथ क्या रिलेशनशिप है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो हमारे पास स्कोर्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं जेड स्कोर्स। जेड स्कोर को हम लोग स्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं अब क्वेश्चन ये है कि जेड स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर का मीनिंग क्या है और वो किस प्रकार हमें हमारे डेटा से मीनिंग इन्फर करने में और डेटा को समझने में हेल्प करती है तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि पॉपुलेशन मीन और नॉर्मल कर इसका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे इसे पहले हम लोग एक बिहेवियरल एग्जाम्पल से समझते हैं उसके बाद थियटिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू उस थ्योरी को और डिटेल में वैलिडेट और प्रूव करने का प्रयास करेंगे तो एक उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी एक दोस्त की किसी एक जानकार की हाइट 176 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल तो जब वो व्यक्ति अपने बारे में बताता है तो कहता है कि मेरी हाइट 176 सेंटीमीटर है लेकिन सिर्फ ये बता देना कि मेरी हाइट 176 सेंटीमीटर है किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करती ये सिर्फ़ क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की पर्टिकुलर कितनी हाइट है लेकिन आप देखेंगे कि जब वो इस हाइट को बताता है तो वो ये कहना चाहता है कि मेरी हाइट मेरे समाज मेरी पॉपुलेशन या ये डेटा पॉइंट मेरी डेटा सीरीज में एक स्पेसिफिक वैल्यू रखता है और वो उस वैल्यू well, इस डेटा पॉइंट के डिस्क्रिप्शन से उस पूरे डेटा सीरीज में अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति अपने मैग्नीट्यूड को डिस्प्ले करना चाहता है जैसे अगर इस पॉपुलेशन में हमारी मीन हाइट 170 सेंटीमीटर है 170 और कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी हाइट 176 सेंटीमीटर है तो अब यह व्यक्ति अपनी एक पोजीशन, अपनी उस पॉपुलेशन में डिस्प्ले कर रहा है क्या कि मेरी हाइट मीन हाइट से कितनी है ज्यादा है मीन हाइट कितनी है 170 सेंटीमीटर? मेरी हाइट कितनी है फॉर एग्जांपल 176 सेंटीमीटर तो मेरी हाइट उस पॉपुलेशन मीन से सिक्स सेंटीमीटर ज़्यादा है मैं बेसिक मैथिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू ये जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ लेकिन सिर्फ ये बता देना कि मेरी हाइट नॉर्मल पॉपुलेशन की हाइट से सिक्स सेंटीमीटर ज़्यादा है अभी भी कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रही है अभी भी कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्रेंस मैं उस व्यक्ति के बारे में या उस व्यक्ति की पोजीशन के बारे में रिलेटिवली उस पॉपुलेशन के थ्रू मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ सिर्फ इतना जानकारी है कि नॉर्मल पॉपुलेशन की जो हाइट है उससे सिक्स सेंटीमीटर ज़्यादा है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के एप्लीकेशंस में सेड स्कोर्स के माध्यम से हम लोग इसी डेटा और इसी डेटा पॉइंट के थ्रू अपनी पॉपुलेशन और इस 176 पॉइंट डेटा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हम लोग लो लास्ट लेक्चर में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर चुके हैं ये भी बता चुके हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमारी पॉपुलेशन में जो औसत दे डेटा है जो औसत बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करता है एक पिक्चोरियल फॉर्म में अब आज हम लोग इसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उन्हें डेटा पॉइंट के साथ कंसीडर करेंगे तो जो हमारा जेड स्कोर है जो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से आइडेंटिफाई करेंगे ये हमें बताएगा कि हमारा डेटा पॉइंट हमारे मीन से कितना डिफरेंट है कितना दूर है ये हमें आसानी से माइनस करके भी पता चला था लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसमें अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे मैं कुछ इन्फर कर सकूं अब हम क्या करेंगे जेड स्कोर के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा डेटा पॉइंट है वो मेरी मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन से कितना बिलो या अबो है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के मीनिंग और उसकी कैलकुलेशंस को भी हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो आज हम लोग मीन जिसका डिस्कशन हम लोग डिस्क्रिप्टिव्स में कर चुके हैं स्टैंडर्ड एविएशन जिसका डिस्कशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं आज उन दोनों इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के फंक्शंस को उसमें इंटीग्रेट करते हुए अपने डेटा से और ज़्यादा इन्फ्लुन्स हम किस प्रकार निकाल सकते हैं ये डिस्कशन आगे की स्लाइड्स में कंटिन्यू करेंगे सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जेड स्कोर कैलकुलेट करना होगा क्योंकि ये जेड स्कोर ही हमें बताएगा कि हमारा डेटा पॉइंट हमारे पॉपुलेशन मेन या मीन से कितना डिविएट कर रहा है प्लस में या माइनस में इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो जेड स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर एक्स का अर्थ है डेटा पॉइंट वो डेटा पॉइंट जिसके बारे में आगे हम लोगों को और इन्फ्लुस ड्रॉ करना है मीन पॉपुलेशन मीन या उस डेटा सीरीज का मीन उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या डेटा सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन अब हम लोग आगे की स्लाइड में एक एग्जाम्पल एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास ये डेटा पॉइंट हो फॉर एग्ज़ाम्पल 176 सेंटीमीटर हमारे पास उस पॉपुलेशन की एवरेज हाइट हो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं 170 और अगर उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन हो तो किस प्रकार अब हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि 176 हाइट क्या मीनिंग रखती है उस पॉपुलेशन में तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको मैथमेटिकल फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोगों ने कहा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने माना कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो है 176 सेंटीमीटर हाइट के टर्म्स में हमने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू एस्टेब्लिश की हम लोग हाइपोथेटिकली ही मीन की वैल्यू को भी एस्टेब्लिश करते हैं 170 हाइट 176 किसी एक व्यक्ति की उस व्यक्ति की जो उस समाज से उस पॉपुलेशन से आता है जहां पर उसकी मीन हाइट 170 जहां पर पॉपुलेशन की मीन हाइट 170 सेंटीमीटर है और उस पॉपुलेशन का हाइट को लेकर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फॉर एग्जांपल हमने माना थ्री तो अब मेरे पास एक्स की वैल्यू है एम की वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है जेड और हम इस कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हुए जेड की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो जो जेड की वैल्यू आई प्लस टू और अब हम इसे स्टैंडर्ड डिवेशन के टर्म में लिखते हैं सिग्मा। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इन वैल्यूज को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर तो जैसे ही हम इसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है और हम अच्छे से अब एक इंफुरेंस ड्रॉ कर पा रहे हैं तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है यहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो मीन होगा वो उसके मिड में लाई करेगा हमारे यहां पर इस हाइपोथेटिकल डेटा में इस एग्जाम्पल में जो मीन की वैल्यू है वो है वन सेवेंटी हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉपर्टी कर्व में ये जाना कि जो इसके पॉजिटिव साइड में है वो वैल्यूज हैं पॉजिटिव वन सिग्मा प्लस पॉजिटिव टू सिग्मा पॉजिटिव थ्री सिग्मा और इसके लेफ्ट में जैसा हमने डिस्कशन किया था कि अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को आप हाफ से कट करते हैं तो वो इक्वली दोनों पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और अगर आप चाहेंगे तो उसे कट करके ओवरलैप करा सकते हैं तो जैसा पॉजिटिव साइड में सेम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन निगेटिव साइड में तो बस यहां पर होगा माइनस वन सिग्मा थोड़ा दूर हो गया पास में लिखते हैं माइनस वन सिग्मा, माइनस टू सिग्मा, माइनस थ्री सिग्मा अब हमारे पास एक हाइपोथेटिकल हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लिया है मीन की वैल्यू 176, सेवेंटी सिक्स जेड टू सिग्मा तो 176 जो मेरा डेटा पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा मेरे मीन से टू सिग्मा अबो हमने लास्ट स्लाइड के डिस्कशन में ये डिस्कस किया था कि जेड हमें क्या बताता है कि जो वो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है वो स्टैंडर्ड डिविएशन से सॉरी हमारे मीन से कितना स्टैंडर्ड डिविएशन कम है या ज़्यादा है अबो है या नीचे है ये हमें हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन और जेड स्कोर के रिलेशनशिप से पता चलता है z स्कोर प्लस टू सिग्मा डेटा पॉइंट 176 तो ये कहां पर पड़ेगा टू सिग्मा पर यहां मेरा 176 पॉइंट होगा इसे हम और डिटेल में यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं जैसे मीन हमारा 170 तो इसमें अगर हमें वन सिग्मा हम ऐड करेंगे तो हमें कितने डेटा पॉइंट्स ऐड करने होंगे थ्री क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की कितनी वैल्यू है थ्री तो अगर मैं मीन से तीन डेटा पॉइंट आगे चलूंगा तो मैं मीन से वन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एरिया है उसे कवर कर सकता हूं यही मेरा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशनशिप है और एक्सप्लेनेशन है वन डेविएशन से थ्री डेटा पॉइंट अब मुझे कितना डेविएशन चलना है टू डेविएशन तो पहले मैंने क्या किया वन सेवेंटी प्लस थ्री डेटा पॉइंट तो मेरा प्लस वन सिग्मा मुझे मिला अब मैंने इसमें तीन डेटा पॉइंट और ऐड किए तो मुझे मिला वन सेवेंटी सिक्स अब मैंने इसमें तीन डेटा पॉइंट और ऐड किए क्योंकि मुझे एक सिग्मा और आगे बढ़ना है और एक सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है थ्री तो यहां पर आएगा वन सेवेंटी यह हुआ मेरा राइट साइड में पॉजिटिव साइड में अब निगेटिव साइड में निगेटिव साइड में अगर मैं मीन से तीन एक सिग्मा नेगेटिव साइड गया तो मुझे कितने डेटा पॉइंट कम करने होंगे तीन डेटा पॉइंट सिमिलरली जैसे पॉजिटिव साइड में ऐड करने होंगे उसी तरीके से निगेटिव साइड में मैं तीन डेटा पॉइंट नीचे जाऊंगा एक सिग्मा वैल्यू की रीच कवर करने के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा वन सिक्सटी सेवन और इसी प्रकार से मैं तीन तीन डेटा पॉइंट कम करते हुए माइनस टू सिग्मा और माइनस थ्री सिग्मा का डेटा पॉइंट भी आइडेंटिफाई कर पाऊंगा फिलहाल इस वाले उदाहरण में चूंकि जो हाइट है वो मीन से ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि जो डेटा है वो किस साइड पड़ रहा होगा मीन के पॉजिटिव साइड में ज्यादा है वो मीन से अगर यही 176, 167 वैल्यू होती तो ये कहां पड़ती मेरे मीन से निगेटिव साइड में और कम होती 165 होती तब भी वो मेरे निगेटिव साइड में ही लाई करती है। तो जब मैंने अपने मीन में टू सिग्मा ऐड किया तो मेरे पास उस व्यक्ति की एग्जैक्ट हाइट मिल गई तो अब हमें ये क्लियर है कि टू सिग्मा डेटा पॉइंट हमें आगे बढ़ना है 176 तक रीच कवर करने में लेकिन अब हमें क्या और इंफॉर्मेशन इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से मिल सकती है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन एवरेज पॉपुलेशन से भी ज्यादा 176 सेंटीमीटर हाइट है तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इसका एक साइड 50 परसेंट डेटा पॉइंट कवर करता है दूसरा भी सेम 50 परसेंट डेटा कवर करेगा तो अब हमें एक टेबल हमारे पास अवेलेबल होती है जिसे हम जी टेबल Z टेबल कहते हैं स्टैंडर्ड स्कोर टेबल कहते हैं वो टेबल देखने से ऑब्जर्व करने से और उसमें एग्जैक्ट डेटा पॉइंट ढूंढने से हम ये बता सकते हैं कि मीन से इस पर्टिकुलर पॉइंट 176, अर्थात टू सिग्मा के बीच में कितने परसेंट एरिया कवर हो रहा है या हम कह सकते हैं कि कितने परसेंट पॉपुलेशन 172, 176 टू के बीच में लाई करती है तो अब हम लोग पहले Z की टेबल देखना सीखते हैं Z की वैल्यू हम लोगों ने पिछले ही डिस्कशन में पिछली क्लास में डिस्कस किया था ये कितना कवर करता है प्लस माइनस थ्री सिग्मा तो हमारे पास जेड की टेबल में हर वो वैल्यू है सिग्मा की जेड की जो हमें उस एरिया को कवर करने वाली प्रोपोर्शन परसेंटेज को डिस्प्ले करेगा तो हम लोगों ने जो अभी किया था उसमें हमारे पास जेड आया टू सिग्मा तो अब हमें क्या ढूंढना है टू सिग्मा कितने परसेंट पॉपुलेशन को कवर कर रहा है फ्रॉम द मीन ये जो टेबल है ये एक साइड का हमें पॉपुलेशन का कवर हमारे डेटा स्कोर का एरिया बताती है चूंकि हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एग्जैक्ट राइट साइड और एग्जैक्ट लेफ्ट साइड होता है तो इसी को हम लोग नेगेटिव साइड में जब देखना होता है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है एरिया सेम उतना ही कवर होता है और उतने ही नंबर्स हमें एग्जैक्टली exactly मिलते हैं तो पहले हम लोग प्लस टू सिग्मा का एरिया आइडेंटिफाई करते हैं इस टेबल को देखते हुए तो आप देखेंगे कि इसमें इस साइड में जेड स्कोर है और यहां पर पॉइंट्स में स्कोर है हमें क्या ज्ञात करना है टू सिग्मा का एरिया मीन से हमें ये टेबल आसानी से उस चीज को बता देगी तो देखिए सिग्मा की वैल्यू इस साइड में जेड की वैल्यू कितनी थी हमारी टू तो टू सिग्मा पर टू जेड स्कोर पर कितने परसेंट पॉपुलेशन कवर हुई फोर्टी सेवन फोर सेवन सेवन टू अब हम इसे आगे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो होगी फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट एरिया अब इसको हम लोग अपने एग्जाम्पल में पुट कर लेते तो ये जो एरिया है ये टोटल ये टोटल एरिया तो 50% परसेंट है ये सब लेकिन यहां से यहां तक का एरिया टू सिग्मा तक मीन से कितने परसेंट हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया 47.72%। परसेंट तो सिर्फ इतनी ही कैलकुलेशन से अब ये 176 की जो हाइट है एक नया इन्फ्लुएंस एक मीनिंग मुझे कन्वे कर रही है और वो मीनिंग क्या है कि ये जो हाइट है इस व्यक्ति की 176, इस व्यक्ति की हाइट एवरेज हाइट से भी जो आगे पॉपुलेशन है उसमें भी सेवन फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट लोगों से ज़्यादा है मेन हाइट से ऊपर भी जो लोग हैं उनमें भी 47.72 परसेंट लोगों से ज्यादा है इस व्यक्ति की हाइट तो उस नॉर्मल पॉपुलेशन में इसकी हाइट कैसी मानी जाएगी एक्सट्रीम बहुत ज्यादा काफी ज्यादा यह हम लोगों ने किस कैलकुलेशन से प्राप्त किया जेड स्कोर और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर के फंक्शन से अब हम लोग इन्हीं डेटा के साथ और इन्फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इन्फ्रेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं मैथमेटिकल एग्जांपल्स हैं उसमें हम लोग अभी और इन्हीं डेटा को यूज़ करके देखेंगे कि अभी हम और क्या क्या मीनिंग इन्फर कर सकते हैं जेड स्कोर से और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर यहां पर हम लोगों को यह भी जानना हो कि 176 परसेंट वन सेंटीमीटर हाइट से कितने ज्यादा अभी और लोग हैं जिनकी हाइट इससे भी ज्यादा है तो अब हमें क्या करना होगा इसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के एप्लीकेशन से उसके मीनिंग से अब हम लोग ये भी जान सकते हैं कि कितने परसेंट और पॉपुलेशन है जो 176 सेंटीमीटर हाइट से अधिक सेंटीमीटर हाइट रखती है तो हम लोगों ने ड्रॉ किया मीन हाइट 170 एक्स की वैल्यू वन सेवेंटी सिक्स हम लोगों ने z इसका कैलकुलेट किया था वो आया था प्लस टू सिग्मा अब हम लोगों को क्या करना है अभी हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में क्या आइडेंटिफाई किया था कि मीन से ये डिस्टेंस कितना है तो हमें पता चला कि कितने परसेंट लोग जो हमारे कैलकुलेशन से आया था फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट हमने यह भी जाना कि ये टोटल एरिया इस प्लस टू सिग्मा से लेकर प्लस थ्री सिग्मा इन दोनों से मिलेगा तो बनेगा फिफ्टी परसेंट अब मुझे क्या ज्ञात करना है ये कि 176 जो डेटा पॉइंट यहां लाई कर रहा था प्लस टू सिग्मा पर उससे कितने परसेंट लोग अभी भी ज्यादा हैं कितने परसेंट तो मुझे कौन सा एरिया कब कब अब आइडेंटिफाई करना है एक्सप्लोर करना है ये एरिया और इस एरिया में कितने परसेंट लोग हैं तो सिंपल है यहां मीन से थ्री सिग्मा तक फिफ्टी परसेंट मीन से टू सिग्मा तक फोर्टी सेवन परसेंट तो मैं क्या करूँगा फिफ्टी माइनस फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन टू तो जो मेरे पास कैलकुलेशन से पॉपुलेशन की परसेंटेज आएगी वो कौन लोग होंगे वो उतने परसेंट लोग होंगे जिनकी हाइट 176 से भी ज़्यादा होगी तो इस प्रकार नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक्स और जी वैल्यू के थ्रू मैं अभी भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड कर सकता हूँ और ज़्यादा डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन इन्फर कर सकता हूँ लोगों को इसके बारे में अभी और भी डिटेल में बता सकता हूँ तो अभी इसी एग्ज़म्पल में हम लोगों ने ये देखा कि 176 सेंटीमीटर हाइट से कितने ज़्यादा परसेंट लोग लाई करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन से हमें मिला 2.28 परसेंट व्यक्ति अभी भी ऐसे हैं इस पॉपुलेशन में जिनकी हाइट 176 से ज़्यादा है अगर हम ये जान सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों की हाइट अभी भी ज़्यादा है तो हम ये भी जान सकते हैं कि 176 सेंटीमीटर जो हाइट है कितने परसेंट पॉपुलेशन टोटल में है जिनकी हाइट 176 से कम है इसके लिए अब हमें क्या समझना है इसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बेसिक फंक्शंस यहाँ हमने देखा कि एक राइट right साइड में जो पॉपुलेशन का एरिया है कितना कवर कर रहा था 50 परसेंट यहाँ पर भी कितना कवर कर रहा है 50 परसेंट हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल में क्या आइडेंटिफाई कर चुके हैं मीन से प्लस टू सिग्मा जो कि वैल्यू है 176 सेंटीमीटर उसमें कितने परसेंट कवर हो रहा है 47.72 और मुझे क्या पता करना है कि अब इस 176 से नीचे कितने परसेंट लोग हैं इन टोटल तो अब मुझे क्या करना होगा सिर्फ ये वाला एरिया इसमें ऐड कर देना है तो जब मैं ये एरिया और ये एरिया सिर्फ इतना दोनों को कंप्लीटली ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जीरो से शुरू से लेकर यहां तक का एरिया मुझे मिल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा 176 सेंटीमीटर हाइट से कितने परसेंट इन टोटल उस पॉपुलेशन में लोग लाई करते हैं तो जिस तरीके से पिछली बार मैंने माइनस किया था इस बार मुझे 50 प्लस 47.72 को ऐड कर देना है तो आया 97.72। तो देखा आपने कि उसी डेटा से हम लोग किस तरीके से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और जेड स्कोर्स के हेल्प से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पॉपुलेशन के बारे में धीरे धीरे और इन्फुरेंस कलेक्ट कर सकते हैं अभी हम लोगों ने ये एग्ज़ाम्पल लिया अब नेक्स्ट के एग्ज़ाम्पल में हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करके और भी जो फंक्शंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार हम अभी भी और बहुत सारे इन्फोरेंसेस इस डेटा से या किसी भी डेटा से इन्फर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनपीसी फंक्शंस ऑफ एन पी सी प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड जेड स्कोर तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हमने ये एग्जाम्पल पिछले ही डिस्कशन में पिछली स्लाइड में कंप्लीट किया कि कितने परसेंट लोगों की हाइट 176 सेंटीमीटर से कम होगी ये हमने यहीं पर कंप्लीट किया है अब लोग अब हम लोग और एक आगे डिस्कशन को इसको कंटिन्यू करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें दो डेटा पॉइंट्स के बीच में अभी तक हमने क्या किया कि अगर हमारे पास एक डेटा पॉइंट था उसके अबो कितने परसेंट पॉपुलेशन है जाना मीन से उस डेटा पॉइंट के बीच में कितनी पॉपुलेशन है जाना उस डेटा पॉइंट के बिलो कितने परसेंट पॉपुलेशन है ये भी जान लिया लेकिन अगर हमारे पास दो रो स्कोर हों दो डेटा पॉइंट हो और ये जानना हो कि इन दो डेटा पॉइंट्स के बीच में कितने परसेंट पॉपुलेशन लाई करती है तो हम इस एग्जांपल में इस बात को जानने का प्रयास करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हाइपोथेटिकली ये माना है कि जो हमारे पास डेटा है वो है रॉय स्कोर 45 एंड 55। हाइपोथेटिकली ही हम इसका मीन कैल मान लेते हैं और मीन हम लोगों ने माना 40। हाइपोथेटिकली हम लोगों ने स्टैंडर्ड एविएशन इसका अज्यूम किया 10। तो अब हम लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल है एक्स की वैल्यू दो एक्स है हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड एविएशन। तो अब मैं जेड स्कोर कैलकुलेट कर सकता हूं दोनों के लिए तो पहले मैंने जेड स्कोर कैलकुलेट किया 45 के लिए तो होगा 45 फाइव माइनस फोर्टी मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने एज्यूम किया है 10 तो इसके बाद जो कैलकुलेशन आई उससे हमें प्राप्त हुआ पॉइंट फाइव सिगमा जेड स्कोर मिल गया हमें किसके लिए फिफ्ट फोर्टी फाइव के लिए अब यही प्रक्रिया हमें दोबारा दोहरानी है किसके लिए फिफ्टी फाइव के लिए तो जेड फिफ्टी फाइव के लिए कितना होगा फिफ्टी फाइव माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाय टेन तो ये वैल्यू आई वन पॉइंट फाइव अभी हम लोगों को ये और ध्यान देना है कि दोनों भी भी वैल्यू हम लोगों के पास पॉजिटिव है तो जो टेबल हम लोगों को देखनी है अभी भी उसी तरीके से हम लोग टेबल को आसानी से देख सकते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसके क्वेश्चंस को समझना और क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले रफली अपना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ कर लें और उस पर मेन स्टैंडर्ड एवियशन और एग्जैक्ट रॉ डेटा पॉइंट को प्लॉट कर दें तो उससे क्या होगा आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि हमें z की टेबल में क्या वैल्यू देखनी है और उस वैल्यू का हमें किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है तो हम यहाँ पर भी सबसे पहले अपनी एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि 45 फाइव और 55 के बीच में कितने परसेंट पॉपुलेशन लाई करेगी हमने ड्रॉ किया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हैपोथेटिकली हमने ड्रॉ कर लिया हमारा इसमें मीन है 40 स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है टेन जब ये ड्रॉ करें तो थोड़ा लेंथ में ड्रॉ करें ताकि यहां पे जब आप नंबर्स लिखें तो आपको कोई दिक्कत ना हो प्लस वन सिग्मा प्लस टू सिग्मा प्लस थ्री सिग्मा हम लोगों ने कहा था कि अगर वन सिग्मा हम आगे बढ़ेंगे तो हमें उतने ही डेटा पॉइंट आगे बढ़ने होंगे इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट टाइम पे स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री था तो हम लोगों ने मीन में तीन डेटा पॉइंट ऐड किए थे इस समय हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है टेन तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे टेन डेटा पॉइंट ऐड करेंगे एक स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू होगी रॉय स्कोर वो होगा फिफ्टी उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा और या तो हम वन सिग्मा में टेन ऐड कर लें या फोर्टी में ट्वेंटी ऐड कर दें सिक्सटी एक और ऐड करेंगे तो हमारे पास सेवेंटी आ जाएगा इसी तरीके से अगर हम माइनस की साइड चलेंगे तो माइनस वन सिगमा माइनस टू सिग्मा माइनस थ्री सिग्मा यहाँ पर हम लोगों को दस दस डेटा पॉइंट कम करते जाना है क्योंकि ये नेगेटिव साइड वाला पार्ट है फोर्टी में से मैंने टेन माइनस किया थर्टी ट्वेंटी और टेन अब इस तरीके से मैंने अपना ड्रॉ कर लिया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर। क्योंकि अब मेरे लिए आसान है यह समझना कि 45 और 55 फाइव रॉ डेटा कहाँ पर एग्जैक्टली पड़ रहा होगा तो 45 फाइव पांच डेटा आगे बढ़ना है मुझे प्लस साइड में एक स्टैंडर्ड एविएशन बढ़ने के लिए मुझे कितना आगे बढ़ना पड़ा था दस डेटा पॉइंट यहां पर मुझे कितने डेटा पॉइंट आगे जाना होगा सिर्फ पांच तो वो एग्जैक्टली exactly कहां पड़ेगा वन सिग्मा के बीच में ये कौन सा वाला नंबर होगा मेरा फोर्टी फाइव अब हमें दूसरा वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है वो कितनी है फिफ्टी फाइव उसका जेड स्कोर हमारा कितना कैलकुलेट हुआ है वन पॉइंट फाइव प्लस में तो अब यहां पर मुझे 1.5 पॉइंट सिग्मा डेढ़ सिगमा आगे बढ़ना होगा एक मेरे पास यहां पर ऑलरेडी है मैं पॉइंट और आगे बढ़ूंगा मतलब पांच पॉइंट और आगे तो ये जो डेटा पॉइंट होगा मेरा वो होगा 55। अब क्या करना है हमें ये पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करनी है इसको हम लोग ऐसे ही समझने के लिए फिल कर दे रहे हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है 50% परसेंट हमें पता है मीन से थ्री सिग्मा तक हम अभी और क्या जान सकते हैं हम ये भी जान सकते हैं कि मीन से 0.5 सिग्मा कितना होगा हम ये भी जान सकते हैं कि मीन से 1.5 सिग्मा कितना होगा और हम ये भी जान सकते हैं कि जब 1.5 सिग्मा हमारे पास है मतलब ये यहाँ से मीन से लेकर 1.5 सिग्मा इतना पूरा पॉपुलेशन है हमारे पास हम जान सकते हैं हम ये भी टेबल से देख सकते हैं कि ये कित, पॉपुलेशन कितनी है तो अगर हम यहां से यहां तक जो पॉपुलेशन जितनी है उतनी आइडेंटिफाई करें और उसमें से यहां से यहां तक की पॉपुलेशन मीन से 0.5 सिग्मा तक की पॉपुलेशन को माइनस कर दें तो जो हमारे पास पॉपुलेशन बचेगी वो होगी 0.5 सिग्मा से 0.5 सिग्मा से 1.5 सिग्मा तक अब हमें क्या करना होगा टेबल में इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है तो अब हम लोग चलते हैं वापस टेबल की तरफ हमें क्या क्या वैल्यूज ढूंढनी है 0.5 एंड 1.5 सिग्मा हम लोगों ने यहां से देखना शुरू किया पॉइंट फाइव ये है तो जो वैल्यू होगी वो हमें यहां पर मिल जाएगी किसकी पॉइंट फाइव की कितनी हो गई तो परसेंटेज में होगी वन नाइन पॉइंट वन फाइव अब हमें किसकी वैल्यू देखनी है नेक्स्ट वन पॉइंट फाइव सिग्मा कितनी परसेंटेज में होगी 43.32 अब ये दोनों वैल्यूज को हम लोग अपने एग्जाम्पल में पुट कर देंगे तो कितनी कितनी हमारे पास आई थी मीन से 1.5 सिग्मा तक 43.32 परसेंट और मीन से पॉइंट फाइव तक जो वैल्यू आई थी 19.15 पॉइंट वन फाइव परसेंट हमने क्या डिस्कस किया था कि 1.5 से अगर हम 0.5 माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 0.5 से लेकर 1.5 तक ये हम माइनस किए तो जो हमारे पास वैल्यूज आई वो हुई ट्वेंटी फोर पॉइंट वन सेवन परसेंट इसका अर्थ हुआ कि अगर हमारा मीन फोर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन टेन है तो फोर्टी फाइव से लेकर फिफ्टी फाइव रॉ डेटा तक ट्वेंटी फोर पॉइंट वन सेवन परसेंट डेटा पॉइंट लाई करेंगे या हम कह सकते हैं कि इतनी परसेंट पॉपुलेशन इन दो डेटा पॉइंट के बीच में अवेलेबल होगी इस एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने अभी दोनों डेटा पॉइंट के बीच की पॉपुलेशन आइडेंटिफाई की लेकिन अभी भी हमारे पास और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेथड्स हैं जिनसे अभी हम और ज़्यादा डेटा का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में और देखते हैं कि अब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से और क्या क्या पता कर सकते हैं तो अब हमारे पास अब इस बार हमें क्या जानना है थर्टी एट से थर्टी टू डेटा के बीच में हमारी कितने परसेंट पॉपुलेशन पड़ेगी इस बार हमें और थोड़ा सा ध्यान देना है वो होगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम लोगों ने मीन माना ही था फोर्टी एसडी डी हम लोगों ने एज्यूम किया था टेन अब हमें क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले जेड किसके लिए थर्टी एट के लिए फिर क्या कैलकुलेट करना है z किसके लिए थर्टी टू के लिए करते हैं कैलकुलेट जेड फोर थर्टी एट कितना आएगा थर्टी एट माइनस फोर्टी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस टू डिवाइडेड बाय टेन वैल्यू हो गई माइनस ज़ीरो पॉइंट एट अभी तक हम लोगों ने जितने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे उन सभी में अभी जेड स्कोर पॉजिटिव आ रहा था तो हम लोग टेबल में आसानी से ये देख पा रहे थे कि कितने परसेंट स्कोर है और उसके अकॉर्डिंगली इन्फुरेंस ड्रॉ कर पा रहे थे इस बार हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर माइनस में जी स्कोर है तो उसका क्या अर्थ है और उसका इंटरप्रिटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जेड थर्टी टू भी हम लोगों को अब कैलकुलेट करना है थर्टी टू माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाय टेन कैलकुलेशंस हम लोगों ने की तो उस कैलकुलेशन से हमें मिला माइनस एट डिवाइडेड बाय टेन वैल्यू आई माइनस जीरो पॉइंट एट जो पहली वैल्यू होगी वो होगी जीरो पॉइंट टू अब हम लोगों के पास दोनों वैल्यू के लिए थर्टी एट के लिए भी और थर्टी टू के लिए भी दोनों के लिए हमारे पास जेड स्कोर हमारे कलेक्ट हो चुके हैं अब वही बेसिक फंक्शनिंग के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे किस चीज को इन डेटा पॉइंट्स को कहा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर ड्रॉ करते हैं अगर हमने ठीक से ड्रॉ किया तो 60 टू 70 परसेंट हमारा क्वेश्चन वहीं पे हमें क्लियर हो जाएगा मीन बीच में लाई करेगा एज यूजल तो 40 यहां पर हो। प्लस वन सिग्मा प्लस टू सिग्मा प्लस थ्री सिग्मा माइनस वन सिग्मा माइनस टू सिग्मा माइनस थ्री सिग्मा इस बार हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हैं थर्टी एट थर्टी टू दोनों के दोनों हमारी मीन वैल्यू से कम है तो वो कहाँ पर आएंगे पहला हमारा डेटा पॉइंट है थर्टी एट जो कितना दूर है पॉइंट टू सिगमा तो अगर ये पूरी डिस्टेंस टेन डेटा पॉइंट्स की है तो जो मेरा डेटा होगा पॉइंट टू सिगमा वो मेरे बहुत क्लोज होगा फोर्टी के क्योंकि अब मुझे सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स आगे बढ़ना है माइनस के साइड में अपने मेन से सेकंड अब मुझे कितना आगे बढ़ना है माइनस पॉइंट एट तो वो मेरा बहुत ऑलमोस्ट क्लोज होगा जिस तरीके से मेरा पॉइंट टू क्लोज था मीन के किसके वन सिग्मा माइनस में माइनस वन सिग्मा के तो अब मुझे क्या समझ में आया कि जो मेरा थर्टी एट है वो यहाँ पर लाई करेगा अगर ये वन सिग्मा यहाँ पर है तो जो थर्टी टू है वो मेरा यहां पर लाई करेगा यहां पर मेरा पॉइंट टू सिग्मा माइनस पॉइंट टू सिग्मा और यहां पर मेरा माइनस पॉइंट एट सीग्मा पॉइंट होगा अब जो सेम टेक्निक जो सेम मेथड हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में लिया था वही टेक्निक हम इस बार फिर करेंगे लेकिन इस बार हम लोगों को क्या करना है कि हमें वैल्यू पहले किसकी देखनी है सिग्मा से माइनस पॉइंट एट तक सॉरी मीन से माइनस पॉइंट एट तक का डिस्टेंस हमें पहले टेबल में देखना है फिर उसके बाद किसका देखना है हमें मीन से पॉइंट टू सिग्मा माइनस में और उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी वैल्यू ये इतनी परसेंटेज टेबल देखते हैं यहां आप देखेंगे कि सिग्मा माइनस में कोई वैल्यू नहीं है क्यों है ऐसा क्योंकि ये डिस्कशन हम पहले से ही लेक्चर्स में करते आ रहे हैं कि हमें जो टेबल है हमारे 50 परसेंट का जो एरिया है उसे डिस्प्ले करती है उसे एक्सप्रेस कर रही है और चूंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली ये क्लियर है कि जितना एक तरफ डेटा है जिस तरह का एक साइड में डेटा है उसी तरह का सेम डिस्पर्जन हमारे सेकेंड साइड में अवेलेबल होता है तो अगर मैं एक तरफ का पॉजिटिव साइड का डेटा डिस्पर्जन परसेंटेज कैलकुलेट कर लूँ तो सेम मेरे लिए नेगेटिव साइड में भी होगा तो मुझे माइनस पॉइंट एट सिगमा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट एट सिक्मा जितनी परसेंटेज मेरी ओन करेगा सेम उतनी ही परसेंट पॉपुलेशन का एरिया मेरा माइनस पॉइंट एट कैलकुलेट करेगा तो मुझे क्या ढूंढना है पॉइंट एट पॉइंट एट की वैल्यू आई है ट्वेंटी एट पॉइंट एट वन अब मुझे क्या ढूंढना है पॉइंट टू पॉइंट टू की क्या वैल्यू आई है सेवन नाइन थ्री दैट मीन्स सेवन पॉइंट नाइन थ्री अब इन वैल्यूज को हमें कहां रखना है अपने एग्जाम्पल में क्या क्या वैल्यू हम लोगों के पास आई थी पहले मीन से हम कितना मूव किए थे माइनस पॉइंट एट सिग्मा तो जो वैल्यू आई थी ट्वेंटी एट पॉइंट एट वन परसेंट उसके बाद हम लोग मीन से मूव किए माइनस साइड में पॉइंट टू सिग्मा तो जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई ज़ीरो सेवन पॉइंट नाइन थ्री परसेंट अब हमें एक कंप्लीट एरिया है उसके बाद वो एरिया जिसकी परसेंटेज हमें नहीं चाहिए और हमें जिस ब्लॉक की परसेंटेज चाहिए वो हमें यहाँ पर मेंशन हुआ तो हम क्या करेंगे पहले की तरह 28 में से 28.81 से माइनस कर देंगे 7.93 को तो जो हमारे पास एरिया आएगा वो होगा परसेंट अब हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं कि 38 और 20, 32 के बीच में 20.88 परसेंट पॉपुलेशन लाई करती है या इन दोनों डेटा पॉइंट के बीच में मेरा 20.88 पॉइंट परसेंट पॉपुलेशन डेटा पॉइंट्स लाई करते हैं तो अभी हम लोगों ने पॉजिटिव साइड में दो डेटा पॉइंट्स के अगर बीच में हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो हमने सीखा नेगेटिव साइड में है वो हमने सीखा लेकिन अभी भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम दो डेटा पॉइंट्स के बीच में या उससे अधिक उससे कम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन वो किस तरीके से करनी है वो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इस बार हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा डेटा पॉइंट कहाँ पर हो थर्टी एट और दूसरा डेटा पॉइंट मेरा कहाँ पर हो 45 पर अगर मैं विजुअली भी इसे इस ड्रॉ करूं तो मैं देखूंगा कि एक डेटा पॉइंट मेरा मीन के नेगेटिव साइड में आ रहा है और एक डेटा पॉइंट मेरे मीन के पॉजिटिव साइड में आ रहा है दोनों की कैलकुलेशन z जेड स्कोर मैं पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूं तो यहां पर हम लोग उसे थोड़ा जल्दी से करते हैं मीन इस्क्ल टू फोर्टी एस टी एक्वल टू टेन जेड 438 जो हमारा कैलकुलेट हुआ वो हुआ माइनस ज़ीरो पॉइंट टू नाइन सिगमा जेड फोर्टी फाइव जो हमारा कैलकुलेट हुआ फोर फोर्टी फाइव रो डेटा के लिए वो हमारा हुआ पॉइंट फाइव सिगमा प्लस में अब वही बेसिक रूल जिस रूल से हम लोग अपने क्वेश्चन को समझेंगे पहले ड्रॉ करेंगे फिर एरिया और परसेंटेज को आइडेंटिफाई करेंगे मीन फोर्टी पहले हम लोगों को चलना है माइनस की तरफ कितना पॉइंट टू सिग्मा। उसके बाद अब हम लोगों को चलना है प्लस की तरफ कितना 0.5 सिग्मा तो यहां पर मेरा 38 लाई करेगा यहां पर मेरा 45 लाई करेगा हमें क्या करना है इस बार हमें पता करना है 38 से 45 के बीच में कितने परसेंट पॉपुलेशन फॉल कर रही है तो इस बार आप देखेंगे कि अब की बार हमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम क्या करेंगे मीन से पॉइंट फाइव का जो एरिया है उसे टेबल से देख लेंगे और मीन से पॉइंट टू सिग्मा का जो एरिया है वो देख लेंगे और इन दोनों को देखने के बाद हम अगर इन दोनों एरियाज को जब मर्ज कर देंगे तो हमें थर्टी एट से फोर्टी फाइव रॉ स्कोर के बीच में कितने परसेंट पॉपुलेशन है या स्कोर है डेटा स्कोर हैं वो हमें पता चल जाएगा तो वापस चलते हैं टेबल पर और इस बार हम लोगों को क्या क्या देखना था पॉइंट टू और पॉइंट फाइव एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी ये लोग ये दोनों वैल्यूज देख चुके हैं सेवन पॉइंट नाइन थ्री एंड नाइनटीन पॉइंट वन फाइव तो इस बार अब हमें बस क्या करना है इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है तो मीन से हम लोग 0.5 प्लस सिग्मा जब चले थे तो वैल्यू आई थी 19.15 परसेंट जब हम लोग मीन से चले माइनस 0.2 सिग्मा तो वैल्यू आई 7.93 इस बार हम लोगों को माइनस नहीं करना क्योंकि दोनों पॉपुलेशन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है और दोनों के बीच का हमें एरिया आइडेंटिफाई करना है तो अब हम लोग इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी ट्वेंटी पॉइंट जीरो एट परसेंट तो इस प्रकार अब हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि अगर हमारे डेटा पॉइंट हमारे बोथ ऑफ साइड अगर लाई करते हैं तो किस प्रकार से हम उन दोनों के बीच का एरिया ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जहाँ पर अगर हमें ये पता करना हो कि मिनिमम स्कोर कितना है किसका टॉप के टेन परसेंट का देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पता किया स्कोर है हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया परसेंटेज इस बार क्या हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज है हमारे पास अब हम हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे वो रॉ स्कोर जिससे ऊपर उतना हमारा परसेंटेज लाई कर रहा होगा तो सबसे पहले हम लोग इसे ड्रॉ कर लेते हैं अगर ड्रॉ कर लेंगे तो आसानी से हमें समझ में आएगा मेन की वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी मान लिया उसके बाद प्लस वन सिग्मा प्लस टू सिग्मा प्लस थ्री सिग्मा क्योंकि हमें टॉप टेन परसेंट आइडेंटिफाई करना है इसका मतलब वो पॉइंट होगा जिसमें मैक्सिमम ऊपर की तरफ जो लोग होंगे उसमें से हमें टेन परसेंट कैलकुलेट करना है तो अगर हम लोगों को अब ये पता चल जाए कि कितने परसेंट पॉपुलेशन होगी फोर्टी परसेंट तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग वो एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या एक्स स्कोर तो अब सबसे पहले हमें क्या पता करना है देखिए जेड था हमारा जब हम लोगों ने जेड कैलकुलेट किया था तो एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एस अब इस फॉर्मूला को हम लोग और एक्सपेंड करते हैं तो जब अगर हमें सिर्फ एक्स चाहिए तो अब क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू जेड इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस मीन यहां पर हमारे पास क्या क्या है अब हमें जेड है हमारे पास जेड सॉरी हमें टेबल से देखना है sd है मीन है तो 40 परसेंट कितना एरिया कवर करे करने के लिए मुझे कितने स्टैंडर्ड डेविएशन मूव करना होगा यह अब मैं टेबल में देख सकता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा वापस मैं एक बार टेबल देखता हूं फोर्टी परसेंट तो मैं यहां पर एस डी है और इसके बीच में एरियाज हैं फोर्टी परसेंट देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं थर्टी नाइन पॉइंट नाइन सेवन एंड फोर्टी पॉइंट वन फाइव ये दोनों ही वैल्यू फोर्टी परसेंट के क्लोज हैं तो इस कंडीशन में जब एग्जैक्ट वो परसेंटेज ना हो टेबल में तो जो क्लोजेस्ट होता है जो सबसे क्लोज में जो वैल्यू होती है उसी को उसका जेड वैल्यू मान लिया जाता है तो यहाँ पर है थर्टी नाइन पॉइंट नाइन सेवन 40.15 तो 39.97 ज्यादा क्लोज है 40 परसेंट के इसमें सिग्मा कितना होगा मेरा 0.08 एंड 1.2 तो वैल्यू होगी 1.28 अब आगे चलते हैं तो 40 परसेंट एरिया कवर करने के लिए मुझे कितना चलना पड़ा 1.28 z अब एस डी मेरे पास है टेन मीन मेरे पास है फोर्टी ये कैलकुलेशंस जब मैं करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है फिफ्टी टू पॉइंट एट इसका अर्थ यह हुआ कि टॉप टेन परसेंट स्टूडेंट्स में आने के लिए आपको मिनिमम फिफ्टी टू पॉइंट एट मार्क्स आने चाहिए अगर हमारे पास रॉ डेटा है तो हम लोगों ने परसेंटेज एरिया कब आइडेंटिफाई करना सीखा अगर हमारे पास परसेंटेज है तो वो डेटा पॉइंट आइडेंटिफाई करना सीखा जिस डेटा पॉइंट से अबोव वो पॉपुलेशन परसेंटेज लाई करती है जैसा हमने यहाँ टॉप टेन परसेंट आइडेंटिफाई किया है वैसा हम लोग इधर मिनिमम वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें मिनिमम के नीचे ट्वेंटी परसेंट देखना होगा तो इसी तरीके से हम लोग पहले जेड स्कोर ढूंढेंगे, थर्टी परसेंट वहाँ पर ढूंढेंगे, और हमारा ट्वेंटी परसेंट वो डेटा पॉइंट जिसके बिलो ट्वेंटी परसेंट डेटा लाई करता होगा वो भी हमें मिल जाएगा तो अब हम लोगों ने नॉर्मल प्रोबलिटी कर के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस किए तो पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व उसका मीनिंग उसका इन्फ्रेंस उसके एप्लीकेशंस और किस तरीके से हम लोग अगर हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है रॉ डेटा है या परसेंटेज है तो उससे हम लोग किस किस तरह का इन्फुरेंस ड्रॉ कर सकते हैं ये हम लोगों ने इन लास्ट के दो लेक्चर्स में सीखा तो आज के लिए हम लोग अपने इस क्लास को इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार